अगर मैं आपको बताऊंगा ऐसी कोई चीज है जिसे खाने से आपकी लाइफ के 36 मिनट कम हो सकते हैं, तो क्या आप उसे खाओगे? डोंट बिलीव मी, बट ये रियलिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने एक रिसर्च की जिसके अंदर हमें पता लगा जंक फूड जैसे कि हॉट डॉग अगर आप पर सर्विंग लेते हो आपकी जिंदगी के 36 मिनट कम होते हैं। हमें पता था जंक फूड बुरा है, बट किस एक्सटेंट तक बुरा है ये हमें नहीं पता था, राइट? सो जो हमारी आजकल की जनरेशन है ना, ये इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड है, इतनी ज्यादा ऑप्शन है उसके पास, इतनी ज्यादा वैरायटी है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है जंक फूड के ऊपर। दैट्स व्हाई हमारा कंट्री इंडिया इज रैंक्ड सेकंड इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड ओबेसिटी, एंड इट्स क्वाइट आयरोनिकल। एक साइड पे अगर हम देखते हैं लोग मर रहे हैं भूख से, माल नरिश्ड है, अदर साइड पे एक साइड पे माल नरिशमेंट है, अदर साइड पे मॉल नरिशमेंट है। हम ओवर फेड कर रहे हैं या फिर गलत फेड कर रहे हैं अपने बच्चों को। सो दिस वीडियो इज नॉट जस्ट फॉर द पेरेंट्स, नॉट जस्ट फॉर द किड्स, बट एवरीवन, बिकॉज आई गेस इस वीडियो से हम हर इंडिविजुअल कोई भी ओबेसिटी ओवरवेट से स्ट्रगल कर रहा है अपने आप को रिलेट कर पाएगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो न्यू बॉर्न हम उसे कहां से फीडिंग स्टार्ट करते हैं? हम उसकी फीडिंग स्टार्ट करते हैं समथिंग लाइक सैटेलाइट। ऑब्वियसली यार बीइंग अ पेरेंट हमें ये लगता है, उसके ऊपर लिखा होता है इतने ग्रेन्स की शक्ति है, रोटी से बेटर है, इजीली डाइजेस्टेबल ये है वो है फलाना, एंड वी आर थोड़ा बहुत इनक्लाइंड कि ऐसी चीज कोई सप्लीमेंट दे देते हैं, ऐसा कोई डब्बे वाला फूड दे देते हैं। उधर ही हम गलती करते हैं, बिकॉज हम पहली स्टेज पे ही अपने बच्चे को आदत डाल रहे हैं बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड खाने की। तो बड़ा होके वो जो बच्चा होता है बहुत ज्यादा चूज ईटर होता है। पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हमारा बच्चा वेजिटेबल्स नहीं खाता, फ्रूट्स नहीं खाता, ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, जंक फूड ही खाता। तो हमें मजबूरी में खिलाना पड़ता है क्योंकि हमने पहला स्टेप ही गलत लिया है। वो चूजी किड बनेगा, चूजी किड बनेगा, उसे डेफिशिएंसीज होगी कल को जाके क्योंकि वो जंक फूड ज्यादा खा रहा है, उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, ओबेसिटी आएगी। दैट्स व्हाई हम आज की डेट में इधर पहुंचे हैं। So let's talk about the four points how junk food is affecting our child's growth and our society in general. Point number one is brain development. सबसे ज़्यादा crucial. अगर आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा junk food feed करते हैं या फिर आप उसे पैसे दे देते हैं जा बेटा कैंटीन में जाकर जो मर्जी खा लेना, लंच नहीं बनाया तो जो मर्जी खा लेना, उसके ब्रेन डेवलपमेंट पे डायरेक्टली अफेक्ट, उसे एंजाइटी इश्यूज होते हैं, कल को साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, सेल्फ एस्टीम इश्यू होते हैं जब वो बड़ा होता है एज अ ऑबेस किड। सो हम अभी से उसका जंक फूड रोक सकते हैं इफ वी वांट देम कि वो मेंटली स्ट्रांग बने। पॉइंट नंबर टू, स्टंटेड ग्रोथ। यस, जंक फूड आपके बच्चे की ग्रोथ पे डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है। अब जंक फूड के अंदर होता है लॉट ऑफ कैलोरीज। मैं कहता हूँ एक बच्चे को 2000 कैलोरीज की जरूरत, तो कैलोरीज तो बच्चे को मिलेगी बट दे आर लाइक एम्प्टी कैलोरीज, उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं है। अगर आप बर्गर खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, उसके अंदर कोई विटामिन, कोई मिनरल, ऐसी चीजें नहीं है, कोई एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, तो बच्चे का पेट तो भर जाएगा, राइट? पर उसे कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। सो इट विल डायरेक्टली अफेक्ट देयर ग्रोथ, देयर हाइट, सब चीजों पर। थर्ड पॉइंट, लेथार्जी। क्या आपको यही लगता है कि आपके बच्चे बहुत ज्यादा लेथार्जिक है, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते? आप बाकी बच्चों को देखते हो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, बट आपका बच्चा नहीं है। जंक फूड कैन बी द हिडन रीजन, बिकॉज जंक फूड क्या करता है, जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बताया, इट्स एम्प्टी कैलोरीज। आपके बच्चे का पेट तो टेम्परेरली भर देता है बट इट डोंट गिव द एग्जैक्ट न्यूट्रिशन जो उसे आयरन चाहिए, जो उसे कैल्शियम चाहिए, वो उस बच्चे को नहीं मिल पाता, जिस करके वो हमेशा डल और लो इन एनर्जी रहता है। बिकॉज जंक फूड इज ऑल्सो वेरी हाई इन केमिकल्स, हाई इन प्रिजर्वेटिव्स, हाई इन सोडियम, जो उसकी ग्रोथ को तो इफेक्ट करते ही हैं बट उसके ब्रेन को भी इफेक्ट करते हैं और उसे और डल करते हैं। फोर्थ पॉइंट, लेटर कॉन्सिक्वेंसेस। क्या आपने ये सोचा है पीसीओडी, थायराइड ऐसे सारे प्रॉब्लम्स क्यों ऑल टाइम हाई पे? बिकॉज बच्चा शुरू से ही बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहा था और उसकी आदतें ये जाती नहीं है। वो 20 साल का होगा, 25 का होगा, 30 का होगा, फिर भी उसकी ये जो हैबिट्स होगी जंक फूड खाने की, वो एडिक्टेड हो जाएगा टुवर्ड्स द जंक फूड। अल्टीमेटली जितने भी आजकल कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, चाहे वो डायबिटीज है, ठीक है, कल को इतने अर्ली हार्ट अटैक्स आने शुरू हो गए हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट टॉक्सिक जंक फूड कल्चर, जिसके वजह से आगे जाके आपका बच्चा सफर करता है। सो
आज से ही हमें मेजर लेना पड़ेगा, कंट्रोल लेना पड़ेगा। लेट्स नाउ टॉक अबाउट फोर पॉइंट्स कि कैसे हम अपने बच्चों को जंक फूड से दूर रख सकते हैं, इसकी एडिक्शन से दूर रख सकते हैं। पॉइंट नंबर वन, पहले तो नेवर एवर यूज जंक फूड एज अ रिवॉर्ड। ठीक है, हम क्या करते हैं, अपने बच्चे को कहते हैं इतने मार्क्स आएंगे चल तुझे पिज्जा खिलाने लेके जाएंगे, ये काम कर दे तो तुझे ये खिलाने लेके जाएंगे, तुझे मैगी लेके जाएंगे, राइट। तो ये सारी चीजें हमें बंद करनी है। आप हैप्पी मील्स बनाओ, अच्छा खाना बनाओ, घर पे बनाओ, राइट, बट डोंट यूज जंक फूड एज अ रिवॉर्ड। नहीं तो जब बच्चा बड़ा भी होगा उसके दिमाग में रहेगा दे विल एसोसिएट अच्छी फीलिंग अचीवमेंट विद जंक फूड, तो कभी भी उसे अच्छा फील करना होगा वह जंक फूड खाएगा, तो स्टॉप इट राइट अवे। पॉइंट नंबर टू इज दे लर्न फ्रॉम पेरेंट्स, यू आर देयर हीरोज। ठीक है, आप ही उनके हीरो हीरोइन, राइट। अगर वो देखते हैं मम्मी रात को 12 बजे जोमेटो करके कुछ जंक फूड मंगा रहे हैं और खा रहे हैं, ठीक है, आइसक्रीम मंगा रहे हैं, तो वे लर्न फ्रॉम यू, राइट। सो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि उनके सामने यू हैव टू एक्ट एज हीरो। अगर आप स्ट्रॉन्ग रहोगे बिकॉज दे विल लर्न बट दे सी फ्रॉम देयर आइज, राइट, देयर आर योर कैनवस, देयर आर योर रिफ्लेक्शन, तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। पॉइंट नंबर थ्री, आप जब भी अपने मेन मील्स लेते हो ट्राई टू ईट टुगेदर सिटिंग इन अ डाइनिंग टेबल, राइट, रादर देन डूइंग एनीथिंग एल्स, आप इकट्ठे बैठे खाओ, बिकॉज द फैमिली दैट ईट टुगेदर स्टे टुगेदर एंड स्टे हेल्दी टुगेदर। पॉइंट नंबर फोर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आजकल पेरेंट्स बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं, दैट इज वो बच्चे को कोई मोबाइल लगा के या कोई कार्टून लगा के दे देते हैं। टीवी देखते हुए खाएगा, एक तो वो चू करके नहीं खाएगा, उसे प्रॉपरली नहीं खाएगा, और उसकी टेंडेंसी रहेगी कि वो उसे ओवर ईट हमेशा करेगा, ज्यादा खाएगा जितनी उसे भूख। ट्राई करो जब भी वो खाना खा रहे हैं, एक तो वो एक्टिवली खाना खाएं, टीवी देखते हुए स्क्रीन टाइम देखते हुए ना खाना खाएं। अगर आप उन्हें ऐसी चीजों से भी दूर रख सकते हो, बहुत ज्यादा वो कार्टून के अंदर इंडल्ज नहीं हो रहे, तो भी आधी चीजों का एक्सपोजर, ऐसे एडवर्टीजमेंट का एक्सपोजर उन्हें नहीं होगा, एंड वो आपके ऊपर डिपेंड करेंगे कि आप उन्हें क्या मिल दे रहे हो। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इट वॉज नॉट जस्ट फॉर पेरेंट्स, इट वॉज फॉर एवरी वन आउट देयर, बिकॉज मुझे लगता है जो हमारी जनरेशन है इसने बहुत ज्यादा सफर किया। अब जो लोग 25 से 30 साल के हैं ये वो जनरेशन है जिनके साथ ये सारा कुछ हुआ। सो इस टाइम पे हमें प्लेज लेनी है कि जो हमने गलतियां की हैं वो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के साथ नहीं करें। वी हैव टू स्टार्ट फीलिंग स्मार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। Stay healthy, stay blessed.